नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। आरपीटीवी न्यूज़ की 11,000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का हार्दिक आभार। बड़वानी जिले के ठिकरी विकास खंड के ग्राम बरु फाटक में आयुष विभाग प्रदेश के तहत जीवन अमृत योजना के तहत त्रिकुट चूर्ण काढ़े का वितरण किया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बरु फाटक में काढ़ा बांटा गया। कोरोना वायरस बचने के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS चौहान द्वारा काढ़ा बनाकर ग्राम में बांटा गया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन अनुसार आयुष चिकित्सा विधि के द्वारा काढ़ा बनाकर गांव में बांटा गया। इस काढ़े में त्रिकुट पाउडर, गिलोई, तुलसी, गुड़ ये डालकर काढ़ा बनाया गया था। इस काढ़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसे कोरोना वायरस से बचने में सहायक होता है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सिंह चौहान, मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मुंडला। सर, आज किस योजना के अंतर्गत आपने काढ़े का आयोजन किया? यह आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन की जीवन अमृत योजना, इसके अंतर्गत जो कोरोना वायरस से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा का वितरण किया गया, इसमें त्रिकटु चूर्ण था। सर, इस काढ़े से आम जनता को क्या क्या लाभ होंगे? यह जो काढ़ा है वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने कार्य करता है, जिससे मामूली सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षणों से बचा जा सकता है इसके सेवन से। घर घर कर रहे रोटी इकट्ठी। ग्राम बरु फाटक में ग्रामीण वासियों द्वारा कोरोना महामारी के चलते जो लोग महाराष्ट्र से निकल कर पैदल अपने घर यूपी बिहार जा रहे हैं, उनको प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम के युवकों द्वारा ग्राम से प्रत्येक घर में रोटी एकत्रित की जाती है। प्रतिदिन 200 से 250 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। बरु फाटक से निखिल अग्रवाल की खास रिपोर्ट।